हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 24 का और वाला। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हमको क्या दे रखा है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है। इन द गिवन फिगर आर्क हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच विद द वर्टिक्स ए बी सी एंड डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एज अ सेंटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए आपके सामने ये शेडेड रीजन जो दे रखी है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको। चलिए सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हमको एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, जिसको हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। और आपको क्या निकालना है, ये जो रीजन है इसका एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है ये वाली रीजन, ठीक है ये टोटल आपको रीजन निकालनी है। देखिए अब हमको मालूम है ये एज अ सेक्टर काम करेगा यहाँ पे, और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला भी हमको मालूम है, थीटा अपॉन 360 है ना इनटू पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए अब हमको इसका एरिया निकालने के लिए हमको थीटा भी चाहिए और हमको क्या चाहिए, रेडियस भी चाहिए। तो रेडियस तो इसकी आपको ऑलरेडी दे रखी है, जो कि कितनी दे रखी है, रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रेडियस तो ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, तो अब रेडियस मिल गई, अब हमको चाहिए थीटा। तो थीटा तो देखो यहाँ पे कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल तो है नहीं है कि हम डायरेक्टली फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर होता 90 डिग्री बोल देते, ठीक है कोई और होता हम उस हिसाब से देखते, बट यहाँ पे तो क्या है एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो एंगल तो है नहीं, तो हमको एंगल सपोज करना पड़ेगा अलग से। तो मान लेते हैं लेट है ना एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हम क्या मान लेते हैं ए पे जो बन रहा है आपका वो हमने मान लिया फॉर एग्जांपल थीटा वन, बी का हमने मान लिया थीटा टू, सी का हमने मान लिया थीटा थ्री और डी का हमने मान लिया थीटा फोर। ठीक है, अलग अलग हमने एंगल यहाँ पे सपोज कर लिए। अब देखिए अब हमको एरिया निकालना है, तो देखो एरिया क्या होगा वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एरिया निकालने के लिए आपके पास टोटल चार सेक्टर हैं, चारों का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चारों को निकाल के हम सम कर देंगे, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले जैसे पहले का निकालें थीटा वन रखेंगे इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर रख देते हैं हम यहाँ पे, प्लस फिर दूसरा वाला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा थीटा टू अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस फिर निकालेंगे तीसरा थीटा थ्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और प्लस में हमारा फोर्थ वन हो जाएगा थीटा वन अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पे रेडियस हमने अलग अलग क्यों नहीं रखी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सब बोल रखा है सारी आर की जो रेडियस है वो सेम है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप देख रहे होंगे थीटा वन थीटा टू सिर्फ यही चेंज हो रहा है, बाकी सारी वैल्यू सेम है। तो हम क्या करें, जो पाई आर स्क्वायर है वो थ्री अपॉन 360 है, इसको हम क्या बाहर अगर निकाल लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास वन अपॉन 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री और थीटा फोर यही बचेगा। ठीक है, बाकी तो हमने कॉमन ऑलरेडी निकाल ही लिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास। अब देखिए अब यहाँ पे बारी आती है कि सर यहाँ पे थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे। देखिए हमको मालूम है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 होता है, मालूम है हमको। ठीक है, तो यही वही चारों एंगल हैं, तो इनकी जगह पे हम कितना पुट कर सकते हैं, 360। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे 22/7, आर आपको ऑलरेडी 7 दे रखा था, और इंटू में कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 360 से 360 तो कैंसिल हो गया, ईजी हो जाएगा, और 7 से 7 ये भी कैंसिल हो गया। इस 7 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 14 और 7 2 14 और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा है ना, टोटल शेडेड रीजन निकल गई आपकी। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और बाकी के जो इसको क्वेश्चन है उसकी प्लेलिस्ट क्लिक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप बाकी के सारे क्वेश्चन इसके चेक कर सकते हो। ठीक है।